विमेंस डिग्री कॉलेज एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां 100% फीमेल स्टाफ है। मुंबई के SNGT विमेंस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड इस कॉलेज ने 3 बार यूनिवर्सिटी लेवल पर गोल्ड मेडल हासिल किया है और कई स्टूडेंट्स अच्छी पोस्ट पर हैं। BA और BSc का 100% रिजल्ट आता है। BA, BSc, BCom के साथ साथ DMLT और पैरामेडिकल के कोर्सेज भी यहाँ चलाए जाते हैं और इस साल इसी CA भी शुरू किया गया है। इन कोर्सेज के जरिए कम से कम वक्त में एक अच्छी फील्ड में जॉब मिल सकती है। ये कोर्स SSC और HSC के बाद स्टूडेंट्स कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन 31 अगस्त है। कॉन्टेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है। 31 अगस्त को थाने में रहने वाली 47 साल महिला के साथ 95,000 रुपयों के फ्रॉड का मामला सामने आया है। महिला की मुलाकात मैच मेकिंग ऐप पर पुणे के रहने वाले एक शख्स से हुई, जिसने खुद को कपड़ों का व्यापारी बताकर महिला को बातों में फंसाया और दोनों में ऑनलाइन बातचीत होने लगी। मार्च में उस शख्स ने गवर्नमेंट स्टॉक मार्केट बंद होने और डबल प्रॉफिट का झांसा देकर महिला से 95,000 रुपए ले लिए और महिला के साथ धोखाधड़ी की, जिससे तंग आकर महिला ने पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया। देश भर में दिन ब दिन नाबालिग लड़कियों से छेड़खानी के इंसिडेंट बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई के बोरीवली में एक 15 साल बच्ची जब स्कूल जाने के लिए ऑटो में बैठी तो ऑटो वाले ने उससे गलत तरीके से टच करना शुरू किया। बच्ची ने फौरन चिल्लाना शुरू कर दिया और उसकी चीखें सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए, लेकिन आरोपी ऑटो वाला भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने अननोन शख्स के नाम पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। चोको डिलाइट्स प्रेजेंट वैरायटी ऑफ होममेड चॉकलेट्स, जैसे चोको ट्रफल, सेंटरफील्ड कैरमल चॉकलेट्स, फ्लेवर्ड चॉकलेट्स, बाउंटी चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ। चोको डिलाइट्स में आपको कस्टमाइज चॉकलेट बुकेज और हैम्पर्स भी मिलेंगे। अपकमिंग टीचर्स डे के लिए चोको डिलाइट्स लाए हैं स्पेशल हैम्पर्स और बुकेज वर्थ ₹50 and ₹100 ओनली। ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। गैबी नगर सुन्नी जामा मस्जिद के पास मकान नंबर 778, जिस पर एक बार इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से कार्रवाई की जा चुकी थी, उसी जगह पर दोबारा इलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया है और उसी इलाके की रहवासी इंजीनियर मुर्तुजा अंसारी ने BNCMC कमिश्नर अजय वैद्य और डिवीजन 2 के असिस्टेंट कमिश्नर सुधीर गुरु से शिकायत कर कार्रवाई की डिमांड की है। भिवंडी पद्मनगर से एक चोरी का मामला सामने आया है, जहां पुलिस के मुताबिक अज्ञात चोर ने लक्ष्मी नारायण और उनके बाजू रहने वाली उनकी बेटी के घर की खिड़की तोड़कर 3,70,000 रुपए की कीमत के जेवरात चोरी कर लिए। लक्ष्मी नारायण की कंप्लेन पर केस दर्ज कर लिया गया है और छानबीन की जा रही है। भिवंडी कोनगांव पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक बार फिर पुलिस बनकर दो लोगों ने एक शख्स के साथ 4,80,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। पीड़ित ने बताया कि खाकी यूनिफॉर्म पर ब्लैक जैकेट पहने दो ठगों ने खुद को पुलिस वाला बताकर उन्हें रास्ते में रोका और चोरों का डर बताते हुए सोने की चेन और आभूषण उतारने के लिए कहा और हाथ की सफाई के साथ सारे जेवरात लूट लिए। पीड़ित ने कोनगांव पुलिस स्टेशन में सारा मामला दर्ज करवाया। कल्याण भिवंडी रोड पर मौजूद मारुति सुजुकी नेक्सा शोरूम के वर्कर द्वारा कार लेने गए कस्टमर को जान से मारने की धमकी दी गई। खबरों के मुताबिक पीड़ित अपनी बुक की हुई कार शोरूम से लेने गए थे, लेकिन कार ठीक से साफ नहीं थी, जिसे जब उन्होंने साफ करने के लिए कहा तो वर्कर द्वारा गाली गलौज की गई और गन दिखाकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। मामले की जाँच की जा रही है। भिवंडी के इस्लामपुरा निजामपुर इलाके में पिछले 5 दिनों से पानी की परेशानी बढ़ गई है। मनपा द्वारा की गई पानी की कटौती के बाद से इन इलाकों में रोजाना गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है, जो इस्तेमाल के काबिल नहीं है। पिछले 5 दिनों से लोगों को शदीद पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए प्रशासन से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों की पानी की तकलीफ दूर की जाए। गोरेगांव रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी से लौट रहे पुलिस कांस्टेबल ने एक व्यक्ति की जान बचाई। आए दिन रेलवे स्टेशन पर हादसे होने की खबर सुनते हैं हम।
जिसके बावजूद वाशी के रहने वाले व्यक्ति ने अपनी जान को खतरे में डालते हुए पनवेल जाने वाली चलती ट्रेन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन की तेज रफ्तार की वजह से वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के दरमियान गिर गए, जिसको देखते हुए पुलिस कांस्टेबल ने व्यक्ति को खींचकर उसकी जान बचाई और एक दर्दनाक हादसा होने से बचा लिया। भिवंडी राशन ऑफिस का स्टाफ मेंबर कम होने की वजह से बुरा हाल है। भिवंडी राशन ऑफिसर ने बताया कि ऑफिसर्स की कमी होने की वजह से राशन ऑफिस बहुत ही बुरे हाल में है। उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि 3 बार थाने राशनिंग ऑफिस और कंसर्न डिपार्टमेंट को लेटर लिखते हुए स्टाफ को बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बावजूद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला।